हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पेट केयर पर। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, ये छोटी फिशेस को आप सर्दियों में कैसे बचाएं। एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो आपकी सर्दियों में बहुत ही काम आने वाली है। बहुत से लोग अपने एक्वेरियम में छोटी फिशेस रखते हैं और प्लांटेड टैंक रखते हैं, पर जो पानी चेंज करते हैं लोग सर्दियों में, उनकी फिशेस बहुत जल्दी बीमार पड़ती हैं। इसलिए आप कम से कम पानी चेंज करें, आपकी मछली नहीं मरेगी। बस आप अपने एक्वेरियम में अमोनिया लेवल मेंटेन रखें, मतलब आप कभी भी पूरा पानी चेंज ना करें एक्वेरियम का। पूरा पानी चेंज करेंगे तो आपके एक्वेरियम में बीमारियां आएंगी, और ख़ास कर कि सर्दियों में। गर्मियों में आप पूरा चेंज करते हो तो इतना नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, पर सर्दियों में अगर आपने पूरा चेंज किया, पानी से मछली को निकाला, या फिर पूरा पानी चेंज करा, पानी चेंज टेम्परेचर चेंज हुआ एक्वेरियम का, तो आपके फिशेस को बीमारियां लग सकती हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी दवाई बताऊंगा जिससे आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और आपकी फिशेज जो हैं वो हेल्दी रहेंगी। सबसे पहली बात तो आप 30% ही पानी चेंज करें, मतलब या तो 50% करें या 30%। कभी भी एक्वेरियम का पूरा पानी ना निकालें सर्दियों में, और ना चेंज करें तो वही बेटर है, फिल्टर को निकाल के साफ़ करके और आगे का ग्लास है वो साफ़ करके दोबारा से एक्वेरियम चालू करते हैं। पूरा अगर पानी चेंज करेंगे या थोड़ा सा भी पानी चेंज करेंगे तो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। फंगस, इच और बहुत सी कुछ नॉर्मल रेड स्पॉट्स या फिर फिन डिसीज़, बहुत सी बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि ये छोटी सी टाइगर बार, बिडोस और नियोन टेट्रा और गुरामी है, इनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स लगती हैं। इसमें एंजल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, मतलब ट्रॉपिकल फिश है और बहुत ही सॉफ्ट, मतलब इनका नेचर होता है। मतलब ज़्यादा सा भी आपने कुछ हल्का सा भी चेंजेस किए एक्वेरियम में तो ये बीमार या फिर मर सकती हैं। तो इसलिए आप पानी चेंज ही ना करें सर्दियों में। अगर आप चेंज करना भी चाहते हैं, आपको पानी गंदा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी चेंज कर दें और अपने एक्वेरियम का ग्लास साफ़ कर दें। ज़्यादातर लोग पीला पानी होने से परेशान हो जाते हैं या फिर थोड़ा क्लाउडी, तो फिल्टर अच्छा लगाएं, आपका पानी साफ रहेगा। अच्छा फिल्टर यूज़ करें, स्पॉन्ज फिल्टर। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी पानी अच्छा क्वालिटी का नहीं लग रहा है, येलो लग रहा है, तो आप इसमें ब्लू वाली मेडिसिन ज़रूर मिला लिया करें। ये रही, तो हल्की सी ब्लू मेडिसिन आप मिला देंगे तो आपका एक्वेरियम का जो पानी है वो ना तो पीला दिखेगा ना ही ब्राउन टाइप का। तो इससे पीला में, पीले कलर में जब थोड़ा नीला मिक्स होता है तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, बिल्कुल वाइट, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी आपका चमकेगा। देखिए अभी कैसे होता है। और ये मेडिसिन जो है एंटी एच होती है, इससे आपकी एक्वेरियम में कोई बीमारी, जैसे इस टाइप की, जैसे मछलियाँ आपने बॉडी को रगड़ दी है नीचे बॉटम में, तो वो रगड़ना बंद कर देंगी, या फिर कोई टेंशन, मतलब कोई भी स्ट्रेस होगा मछलियों को तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखिए, अब ये जो मेडिसिन है वो डिजोल्व हो रही है, तो पानी का कलर आप देखिए भी येलो येलो सा था, और अब कैसा हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। और एक्वेरियम में आप ही आगे आप देख सकते हैं ये पानी के स्पॉट्स हैं। ये क्यों है, ये हीटर लगा हुआ है, इसके वाटर वेपर बन रहा है और ये वाटर वेपर नीचे गिर रहा है, इस वजह से ये स्पॉट्स बढ़ रहे हैं। आपको इसके आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हटाएंगे। तो ये रिडॉल की मैंने एंटी एच यूज़ करी है, ये 50 रुपीज़ की आती है, इससे बड़ा भी पैकेट आता है, बड़ी बॉटल आती है जो, और वो भी आपको 120 या 130 के आसपास मिलेगी। इसमें जनरल एड आती है जो आप 15 दिन में एक बार वो भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोई भी जनरल कोई बीमारी दिख रही है, नॉर्मली सब में यूज़ करी जाती है। और ये इस नीली वाली के दो फायदे रहते हैं, एक तो आपके में पानी साफ रहता है और दूसरा आपके में इच नहीं रहती है। ये रही जनरल एड। और आपके पानी में अगर कोई ज़्यादा कोई इच टाइप की हो गई है, मतलब वाइट स्पॉट्स पड़ रहे हैं, तो आपको पिछली वीडियो में बताया था ये नमक डालना, तो वो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, नीचे लिंक्स दे रखी है, नहीं तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी फिशेज हैं, इनको हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती हैं एक्वेरियम में, और आप इन फिशेज को प्लांटेड एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्लांट्स या फिशेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको और जानना है या फिर आप क्या नया बता सकते हैं इसमें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।